राजस्थान भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें पुष्कर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दो बार से विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत को ही भाजपा का प्रत्याशी बनाया। इसका समाचार पुष्कर क्षेत्र सहित पूरे जिले में होते ही क्षेत्रवासियों और जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों में उत्साह, उमंग और जोश का अद्वितीय संचार हुआ। भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार अपने निवास पर पधारने पर क्षेत्रवासियों ने काफी बड़ी तादाद में उनके निवास पर उसका तीसरा पुनः पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने की शुभकामनाओं का साफा महला पहनाकर और फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह टिकट मेरा नहीं, जनता का टिकट है। जनता ने हमेशा से जो अथाह प्यार से सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्रदान किया है, उसी के परिणामतः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर पुनः मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। पवित्र पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदा पानी स्थायी रोकथाम के लिए भी प्रयास किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण इस पर अभी काम बाकी है। पवित्र पुष्कर सरोवर में सीवरेज एवं बरसाती पानी के साथ जाने वाले गंदे पानी की स्थायी रोकथाम बृहद परियोजना। पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा, काशी और महाकाल की तर्ज पर भव्य पुष्कर कॉरिडोर, अजमेर पुष्कर घाटी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुरंग निर्माण, रूपनगढ़ कॉलेज का भवन निर्माण प्राथमिकता, पुष्कर चिकित्सा केंद्र भवन निर्माण पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यालय में कराए गए कार्यों पर सरकार की अनदेखी से जीर्णोद्धार कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार, पवित्र पुष्कर सरोवर घाट रूपनगढ़ में नवीन कृषि मंडी के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य के समस्त कार्यकर्ता जो पुष्कर विधानसभा के हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही हमारे परम पिता ब्रह्मा जी है उनके श्री चरणों में और तीर्थराज पुष्कर महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और पुष्कर विधानसभा की समस्त 3600 कौम की जो जनता है सभी लोगों के स्नेह से और प्यार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कुने प्रत्याशी बनाकर और मेरे जैसे छोटे से गांव और ढाणी में रहने वाले कार्यकर्ता पे उपकृत किया। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही हमारे पुष्कर विधानसभा के देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य जो जनता है, हमेशा पलक पावड़े बिछा के मेरे को एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि जो काम पिछले कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया किसी कारण से, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पिछली बार भी ऐतिहासिक काम हुए थे, इस बार जो हमारे गांवों के अंदर चाहे रोड का मामला है, चाहे हमारे गांवों के अंदर जो गांव-गांव के अंदर जो बिजली है, गली गली के अंदर विद्युतीकरण का और बिजली का काम करना है, रोड लाइटें लगवानी है और भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो निश्चित रूप से चुनाव के खत्म होने के बाद जैसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा तीव्र गति से वो सारे के सारे काम करेंगे। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। सुरेश सिंह रावत जिंदाबाद। सुरेश सिंह रावत जिंदाबाद।